जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे माय फर्स्ट ब्लॉग है ये, तो बस मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन और अपनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो चलिए आज आपके साथ अपनी मोस्ट फेवरेट डिश दही भल्ले बनाते हैं, ठीक है। इसे ना मेरे पास, और इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, 1/2 टीस्पून जो है मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और ये मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है। और इसकी जो थिकनेस है वो ये होनी चाहिए, ठीक है। आप ये बस ज़हन में रखें, इसको पतला नहीं करना, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो चले मैं अब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखे जो मैंने फ्राई कर रही हूँ भले, इसकी ये लुक है आप, ठीक है। तो सिस्टर मेरी को भी बहुत ज़्यादा शौक है ब्लॉगिंग करने का, तो वो भी अपनी रेसिपीज वगैरह आपके साथ शेयर किया करेंगी। तो ये देखे दही भले, तो इसको कैसा कलर चाहिए, कितनी देर तक करना है ये मैक्सिमम? बस ये अभी बस पानी में डालेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बस जैसे लाइट करना है ना, लाइट के कलर इसका जो है ना ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और आंच आपने इतनी रखनी है कि ये कच्चे ना हो, प्रॉपर मीडियम होने चाहिए, मीडियम। हाँ ठीक कह रही हो तुम। तो ये अब बस हमारे फाइनल लुक पे आ गए हैं, तो अब क्योंकि बेसन भी फिर कच्चा होता है ना, इसकी वजह से ये है ना, तो इतना ही आपने बस कुक करना है और ये ऐसे आपने डिश आउट कर लेना है। डालती है, अब मैं वाटर में डाल दूंगी इसको, कोई ज्यादा देर सोक नहीं करना, वो ज्यादा देर नहीं करना, बस थोड़े से सॉफ्ट हो साथ ही आपने निकाल लेना, ठीक है। फिर मैं आप तो ये देखें, ये मैं अभी सॉफ्ट हो गए, ये अब निकाल रही हूँ, ये देखें। थोड़े सॉफ्ट करने हैं ना, ज्यादा नहीं हाँ, कि बिल्कुल ही वो ना जाए। जाए ना, ये इस चीज का भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। चने बस आपने देख लिया ना, ये टूटे नहीं, अभी हम फाइनल लुक कर। अभी दही को जो है वो अच्छी तरह से बीट की है, और अभी मैं इसके अंदर चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ और सॉल्ट मैंने डाला था, ठीक है। और चाट मसाला 1/2 टीस्पून आप डाल लें, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो है वो सब चीज़ें दही में मिक्स कर दी अच्छी तरह से। और किसी को अगर चिल्ली ज्यादा पसंद है ना, अकॉर्डिंग टू आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर वो लेना, तो आप फिर ऊपर भी डाल सकते हैं ना, स्प्रिंकल्स कर सकते हैं आप। तो अभी ये जो मेरे पास टमाटर और ओनियन थे और ग्रीन चिली थी, ठीक है, ये मैंने मिक्स किया है इसके अंदर, ठीक है। और ये मैं अभी पोटैटो डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप देख लें, ये आप सब दही में अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये दही भले जो निकाले हैं, ये दही में मैं डाल रही हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये अभी मैं पूरा आपको सेट करके तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच।